जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्पेशल टॉक में। अगर आप भी चाहते हो आपका जीवन भी हो खुशहाल, तो सच्ची आत्मा से हर हर महादेव जरूर लिखे। दोस्तों, अर्जुन ने कैसे पूरी कौरव सेना को अकेले ही बृहन्नल्ला के वेश में परास्त कर दिया था, जबकि कौरवों की तरफ से भीष्म और कर्ण जैसे महारथी थे। कर्ण और सभी ने अर्जुन को पहचान लिया था, उन्हें कोई संशय नहीं था, न ही कुंती को कोई प्रतिज्ञा दी थी। कुंती और कर्ण पहली बार विराट के कहीं समय बाद कृष्णा के हस्तिनापुर जाने के उपरांत मिले थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण सब ने अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध किया, परंतु अर्जुन इतने क्रोध में था कि कोई सामना न कर सका। अश्वत्थामा ने अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कहा कि कोई भी अर्जुन का सामना नहीं कर सकता और कर्ण को मिथ्या ब्रह्म है कि वो अर्जुन को रोक पाएगा। इस पर कर्ण क्रोधित होकर बोले कि वो उस दिन अर्जुन को अवश्य समाप्त कर देगा। उसे अर्जुन के उस रूप के भी कोई समस्या नहीं थी जैसा कुछ लोग कर्ण के बचाव में कहते हैं। अर्जुन ने कर्ण को दो बार परसत किया और उसके भाई को उसके सामने ही मर दिया। इस पर उत्तर ने कर्ण का उपहास उड़ा ढाया, पर फिर भी कर्ण युद्ध भूमि से भाग गया। अपनी सेना की दुर्दशा देख दुर्योधन वापिस आया और अर्जुन से युद्ध करने लगा, परंतु पराजित हुआ। यह देखकर सभी उसकी रक्षा के लिए वापस आने लगे। कर्ण ने जब यह देखा तो वो भी वापस आ गया। अब सब ने मिलकर अर्जुन पे प्रहार किया। इस पर उत्तरा ने कौशिक आदि रथ चलन के हुनर दिखाए और अर्जुन के रथ को चारों ओर इस प्रकार घुमाने लगा कि अर्जुन अब सभी पर एक साथ बाण चलने लगा। अर्जुन ने बिजली की रफ्तार से बाण वर्षा की और सबको पराजित कर दिया, पर गोधन की रक्षा और उत्तर की सुरक्षा को देखते हुए और भीष्म का सम्मान करते हुए उसने युद्ध समापन ही उचित जाना और सम्मोहन का प्रयोग किया। कुछ लोग यह कहते हैं कि यह अस्त्र प्रयोग वर्जित था, पर ऐसा नहीं है। स्वयं भीष्म ने परशुराम पर विजय ऐसे ही अस्त्र प्रस्वापन से पाई थी। दृष्टद्युम्ना ने भी ऐसे ही अस्त्र का प्रयोग कुरुक्षेत्र में किया था, जिसे द्रोण ने कटा था। पर अर्जुन की शक्ति ज्यादा थी, इसलिए केवल भीष्म ही उसे काट सके और बाकी सब विफल हुए। उसके बाद भीष्म ने फिर उत्तर पर बाण चलाए, पर अर्जुन ने 10 बाण मरकर भीष्म को रोक दिया। फिर उत्तर ने उन सब का भीष्म द्रोण को छोड़ देकर वस्त्र हरण किया, जैसे द्रौपदी का हुआ था। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी शिक्षा, क्रोध और क्षमता के बल पर सबको हराया। कर्ण ने न ही अर्जुन से लड़ने से मन किया, न ही कुंती को कोई वचन दिया था। यह सब टीवी सीरियल की उपज है। महाभारत में बार बार अर्जुन के सबको पराजित करने का वर्णन बड़े ही उत्साह से लिया जाता है। स्वयं कर्ण ने कर्ण पर्व में यह मन की अर्जुन ने अकेले ही सबको पराजित किया था, इसलिए उस जैसे योद्धा न हुआ है न होगा। यह उस कर्ण के वचन है जो हमेशा अर्जुन से प्रतिस्पर्धा करता था। इससे जुड़ी एक कहानी और है, आइए जानते हैं। राजा विराट के यहाँ पांडव छिपकर अपने अज्ञातवास के दिन पूरे कर रहे थे। वहां युधिष्ठिर कंक, भीम रसोइया, द्रौपदी सैरेन्द्री, अर्जुन बृहन्नल्ला और नकुल सहदेव सेवक गाय चराने वाले के रूप में रह रहे थे। द्रौपदी रानी की सेविका थी। तभी राजा विराट का साला आया, जिसका नाम कीचक था। वह अपनी बहन की सेविका, जो वास्तव में द्रौपदी थी, के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। उसने द्रौपदी को सेविका समझकर उनके सामने प्रेम प्रस्ताव रखा और रात में उन्हें एकांत में मिलने के लिए दबाव डाला। रानी की भी इसमें सहमति थी। द्रौपदी ने अपनी व्यथा अपने पांचों पतियों से एकांत मिलने पर बताई, लेकिन भेद खुल जाने के डर से चार पति उनकी मदद करने को राजी नहीं हुए, क्योंकि भेद समय से पहले खुल जाता तो शर्त के अनुसार फिर 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भोगना पड़िड्डेहिता। लेकिन जब यह बात उन्होंने भीम को बताई तो भीम को बहुत गुस्सा आया। वे रात में द्रौपदी की जगह स्त्री वेश में कीचक के पास गए और कीचक का वध कर दिया। सुबह यह समाचार जब चारों तरफ फैला कि किसी ने कीचक को मार डाला, तो कौरवों को लगा कि यह काम अवश्य ही भीम का है, क्योंकि कीचक इतना बलवान था कि उसे भीम के अलावा कोई मार नहीं सकता था। कौरवों की लाटरी खुल गई। जिन पांडवों की उन्हें तलाश थी अब लगभग उनका पता चल चुका था। इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने विराट की गायों का अपहरण कर राजा विराट को युद्ध की चुनौती दी कि अगर पांडव यहां होंगे तो वे अपने को रोक नहीं पाएंगे और उनका भेद खुल जाएगा। विराट के पुत्र
उत्तर कुमार ने डींग हांकते हुए कहा कि अगर कोई रथ हांकने वाला मिल जाए तो मैं अपनी गायों को छुड़ा लूंगा। कंक ने सलाह दी कि आपके यहाँ जो किन्नर बृहन्नला है वह बहुत अच्छा रथ हांकता है। अब बृहन्नला सारथी और उत्तर रथ लेकर गायों को छुड़ाने के लिए चले, लेकिन जैसे उत्तर ने कौरवों की सेना देखी वह रथ से उतर कर भागने लगा, जिसे बलपूर्वक अर्जुन ने रोक लिया और अपना रथ उस जगह ले गए जहां पेड़ पर अपने शस्त्र छिपाए थे। उन्हें उतार कर अर्जुन ने धनुष की टंकार की और शंखनाद किया, जिसे सुनकर कौरव सेना में खलबली मच गई। लेकिन भीष्म ने गणना करके बताया कि पांडवों के अज्ञातवास के दिन पूरे हो चुके हैं। अब भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन ने सम्मोहनास्त्र से सारी सेना को मूर्छित कर गायों को छुड़ा लिया और विजय के प्रतीक के रूप में सबके आभूषण उतार लिए। इस प्रकार पांडवों का अज्ञात वास पूरा हो गया। जब विराट को पता चला कि पांडव वेश बदलकर मेरे यहाँ रह रहे थे, तो वे बहुत डरे और क्षमा मांगी। वे अपनी पुत्री का विवाह अर्जुन से करना चाहते थे, लेकिन अर्जुन ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वह मेरी शिष्या है, इसलिए मेरी पुत्री के समान है फिर उत्तरा का विवाह। अर्जुन से न होकर उनके पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ, जिनसे पांडव वंश आगे चला। महाभारत के विराट पर्व में जब कीचक वध के बाद सुशर्मा और कौरव सेना ने मिलकर विराट नगर पर हमला कर उनकी गायें चुरा ली थीं, उस समय युद्ध व्यूह में फंसकर जब विराट नरेश और चारों पांडव सुशर्मा से युद्ध कर रहे थे, तब दूसरी ओर से कौरव सेना ने विराट नगर पर हमला कर दिया था। ऐसे में अर्जुन ने अपना बृहन्नला का रूप त्याग कर गांडीव उठाया और राजकुमार उत्तर को सारथी बनाकर अकेले ही कौरव सेना का सामना करने चल पड़े। अर्जुन ने कौरवों से द्यूत क्रीड़ा के अपमान का बदला लिया और एक एक करके अकेले ही सभी कौरव योद्धाओं को रणभूमि छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन का युद्ध के लिए शंखनाद। अर्जुन का देवदत्त शंख रणभूमि में गूंज उठा। शंखनाद सुनकर दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा, यह तो अर्जुन के देवदत्त शंख की ध्वनि है। अभी तो पांडवों का अज्ञातवास पूरा समाप्त नहीं हुआ है, अर्जुन सबके सामने आ गया है, इसलिए शर्त के अनुसार पांडवों को पुनः 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास करना होगा। दुर्योधन की बात सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन, पांडवों को काल गणना का ध्यान है, अवधि पूरी किए बिना अर्जुन सामने नहीं आएगा। मैंने भी काल गणना की है कि पांडवों के अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी है, दुर्योधन ने हुए कहा। अगर अर्जुन युद्ध में आ ही गया है तो हमें व्यूह रचना कर लेनी चाहिए। भीष्म ने दुर्योधन को 1/3 सेना लेकर गायों के साथ हस्तिनापुर जाने का निर्देश दिया और बाकी की सेना को साथ अर्जुन से युद्ध करने का व्यूह बनाया। दुर्योधन गायें लेकर हस्तिनापुर जा रहा था कि अर्जुन ने रास्ते में ही दुर्योधन को पर असंख्य बाणों की वर्षा कर दी। अर्जुन के बाणों की वर्षा से दुर्योधन के सैनिक भागने लगे और सारी गायें भी विराट नगर की ओर लौटने लगीं। कर्ण, द्रोण और भीष्म की पराजय। दुर्योधन को क्षत विक्षित देखकर कर्ण, द्रोण, भीष्म आदि सभी कौरव वीर उसकी ओर दौड़ पड़े। कर्ण को आता देखकर अर्जुन ने कर्ण पर इतने बाणों चलाए कि उसके रथ, घोड़े और सारथी सभी घायल हो गए। अंततः कर्ण को भी मैदान छोड़कर जाना पड़ा। कर्ण के युद्ध भूमि से जाते ही भीष्म और द्रोण एक साथ अर्जुन से युद्ध करने लगे, लेकिन अर्जुन अपने बाणों के प्रहार से उनके बाणों के टुकड़े टुकड़े कर देता था। आज अर्जुन के गांडीव के प्रहार का सामना कोई भी कौरव वीर नहीं कर पा रहा था। एक एक करके सभी कौरव योद्धा मैदान छोड़कर जाने पर मजबूर हुए। कौरवों को इस प्रकार युद्ध भूमि से जाता देख अर्जुन और राजकुमार उत्तर ने विजय शंख बजा दिया। पांडवों ने कौरवों से लड़ाई क्यों की? इसके कई कारण हैं। सिंहासन के उत्तराधिकार के मामले में कौरवों द्वारा पांडवों को प्रतिद्वंद्वी माना जाता है। उनका मानना था कि चूंकि ये 5 भाई धृतराष्ट्र के भाई पांडु से सीधे पैदा हुए भगवान के पुत्र नहीं हैं, इसलिए उन्हें राज्य नहीं दिया जाना चाहिए। कर्ण ने कौरवों के लिए लड़ाई क्यों की? कर्ण के लिए यह निर्णय लेना कठिन था। यह जानने के बाद कि वह पांडवों का भाई है, वह दुविधा में था, लेकिन उसने यह जानते हुए भी कि दुर्योधन गलत था और युद्ध में हार जाएगा, दुर्योधन के साथ रहने का फैसला किया।
कर्ण ने दुर्योधन की मित्रता को धर्म से अधिक महत्व दिया। विराट नगर के युद्ध में जीत किसकी हुई? वहां 12वां वर्ष बीतने पर एक वर्ष के अज्ञातवास के लिए वे विराट नगर में गए। जब कौरव विराट की गौ को हरकर ले जाने लगे, तब उन्हें अर्जुन ने परास्त किया। उस समय कौरवों ने पांडवों को पहचान लिया था, परंतु उनका का अज्ञातवास तब तक पूरा हो चुका था। कर्ण को कौन हरा सकता है? इसके अलावा कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अर्जुन ने कर्ण को दो बार हराया और अश्वत्थामा को उसे बचाने के लिए आना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने 17वें दिन हुए एक महान युद्ध में कर्ण को मार डाला। अभिमन्यु अर्जुन का कुशल पुत्र था। उसने 13वें दिन कर्ण को 4 बार हराया और मजबूर किया। क्या कर्ण कृष्ण को हरा सकता है? जब कर्ण ने भगवान कृष्ण पर अपने बाण चलाए तो उन बाणों की सारी शक्ति समाप्त हो गई और वे जमीन पर गिर पड़े। कर्ण भगवान कृष्ण के कवच पर एक भी खरोंच नहीं पहुंचा सका। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। अगर वह चाहता तो पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध 1 सेकंड में खत्म कर सकता था। महाभारत में कर्ण कितने दिनों तक लड़े थे? कर्ण ने कुरुक्षेत्र में कुल 7 दिनों तक युद्ध लड़ा। कर्ण पर्व में कौरव गठबंधन के तीसरे सेनापति के रूप में कर्ण की नियुक्ति का वर्णन है। क्या कर्ण सबसे बड़ा योद्धा है? कर्ण को सभी योद्धाओं में सबसे महान योद्धा माना जाता है। वह अपने बड़प्पन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वह पिछले वादों के कारण दुष्ट कबीले का पक्ष लेता है। वह युद्ध में अर्जुन के हाथों मारा गया। मरते हुए कर्ण ने श्री कृष्ण से क्या पूछा? कर्ण ने कृष्ण से पूछा, मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। कर्ण को गलत तरीके से क्यों मारा गया? पृथ्वी देवी ने कर्ण को श्राप दिया कि उसके रथ का पहिया भूमि में धंस जाएगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। और एक संत ने कर्ण को श्राप दिया कि कर्ण तब मरेगा जब वह हथियारहीन होगा, क्योंकि कर्ण ने अपनी गाय को तब मारा जब वह असहाय थी। श्रापों को पूरा करने के लिए कृष्ण ने अर्जुन को उस स्थिति में कर्ण को मारने के लिए प्रेरित किया। कर्ण और भीष्म में कौन शक्तिशाली है? बल बल के मामले में कर्ण भीष्म से आगे है, क्योंकि वेद व्यास के एक श्लोक के अनुसार उनके शरीर में लगभग 1 लाख हाथियों का बल था, किंतु भीष्म इतने शक्तिशाली नहीं थे। उन्हें केवल धनुर्विद्या में ही महारत हासिल थी, जबकि कर्ण सभी प्रकार के अस्त्रों और शस्त्रों को चलाने की महारत हासिल थी।